एक्सक्यूज हाँ बेटा ये मी यस बोलो बेटा। सर। सर ये जो टेस्ट में है सर, लेकिन इसमें तो लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। हाँ बेटा ओनली केमिस्ट्री का जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ है ना। ओके बेटा तो उसमें मैं आप लोगों को यहाँ पर अब आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेके चल रहा हूँ। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में मेन प्रॉपर्टी जो है उनमें आप ये कह सकते हो ये बहुत ध्यान देने वाली लास्ट प्रॉपर्टी है। फिर छोटी मोटी प्रॉपर्टीज और हैं जिनको हम आगे स्टडी करेंगे। तो आज हम बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को सिंबल में डेल्टा ई जी एच ऐसे लिख दिया जाता है। ये सिंबल है इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहले हम इसको डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, उसके बाद आप इसको समझ जाओगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो आपको बेटा वो याद रखनी है वो ये है कि जिस तरह से हमने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक कंबाइंड स्टेट में एटम की प्रॉपर्टी है और यहाँ पर ये एटम जो है वो फ्री स्टेट में उसकी प्रॉपर्टी है, मतलब एक कंबाइंड नहीं होना चाहिए। तो दूसरा आप यहाँ पे इस बात को स्पेशली मेंशन रखोगे, याद रखोगे कि इज प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड का मतलब होता है फ्री, ये फ्री एटम की प्रॉपर्टी है, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अपोजिट। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, कंबाइंड स्टेट में एटम की पावर है। ठीक है बेटा अब हम इसको डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल एटम और न्यूट्रल एटम में भी गैसियस आइसोलेट एटम कह सकते हो आप लोग, न्यूट्रल गैसियस आइसोलेट एटम। टू कन्वर्ट इट यहाँ एटम के लिए, इस एटम को कन्वर्ट करने के लिए बेटा किसमें, इनटू अ नेगेटिव आयन। तो उस समय ऐसा करने पर जो एनर्जी चेंज या उसमें आता है इसको हम यहाँ पर एंथैल्पी चेंज बोलते हैं। एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैं इस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को शॉर्ट में ईजीई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी लिख सकता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना एब्रिविएशन में। ये इसकी डेफिनेशन। अब हम इसका मतलब समझते हैं बेटा। वो तो आप देखो मैं कहना चाह रहा हूं यहां पर कि कोई एक गैसियस स्टेट में आइसोलेट एटम हो न्यूट्रल, अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एनायन बने, नेगेटिव आयन, अनायन। ओके बेटा तो यहाँ पर दो ये बात, वेरी गुड, तो यहाँ पर दो बातें हो सकती है बेटा जी। तो क्या क्या हो सकती है वो आप ध्यान दे, वो ये हो सकती है कि या तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो,
आप जान तो जहां भी अट्रैक्शन होता है मतलब अपने आप इलेक्ट्रॉन को एटम एक्सेप्ट कर ले, अट्रैक्ट कर ले और एनायन में चेंज हो जाए। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ जहां कहीं भी अट्रैक्शन होता है वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है बेटा? एनर्जी रिलीज होती है। ओके बेटा, ओ एनी प्रॉब्लम? नो। तो अगर एनर्जी रिलीज होगी बेटा तो उस केस में हम इस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सोथर्मिक। तो क्या बोलेंगे बेटा? एक्सोथर्मिक। तो अगर ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुई मतलब इस समय जब एक्सोथर्मिक होती है तो हम क्या बोलते हैं कि उसमें से एनर्जी रिलीज हुई है। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो एंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा एच जो होता है किसी भी रिएक्शन का, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन के टाइम पर हो रहा है कोई भी प्रोसेस हो, उसके लिए डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होता है। क्या होता है बेटा? तो यहाँ पर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पर क्या होगी? नेगेटिव होगी। इज दैट क्लियर? यस सर, वेरी करेक्ट। ऐसे या ये हो सकता है कि ये एटम जो है इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ना करे, इनके बीच में रिपल्सन हो या अट्रैक्शन हो। अगर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा या रिपल्सन है तो इसका मतलब मुझे इस इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर भेजने के लिए एनर्जी साथ में देनी पड़ेगी बेटा। यस। या तो आप ये समझ लीजिए रिपल्सन है इसलिए इस प्रोसेस में क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, या आप ये समझ लीजिए कि हमको एनर्जी देनी पड़ेगी तभी वो एब्जॉर्ब करेगा ना। या हमका मतलब यहाँ पे सराउंडिंग से, बाहर से कोई भी चीज। और अगर अट्रैक्शन होगा तो इसमें से एनर्जी रिलीज होगी। इज दैट क्लियर बेटा? जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी। उसको हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी चेंज। तो एंथैल्पी चेंज एक्सोथर्मिक में क्या लिया जाता है? नेगेटिव। और अगर यहाँ पर एनर्जी हमें देनी पड़ी मतलब इस सिस्टम ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है तो इस समय प्रोसेस को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। और उस समय एनर्जी चेंज दैट इज एंथैल्पी चेंज जो लिया जाता है वो लिया जाता है पॉजिटिव। क्या लिया जाता है बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है। ओके बेटा, ओ कितना क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर आप एक चीज और नोट कर सकते हो और वो ये है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव में ज्यादा होगी मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी इसमें से निकल रही है मतलब उतना ही ज्यादा इसमें अट्रैक्शन है मतलब उतना ही ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, जल्दी एनायन बना देगा, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ये इलेक्ट्रॉन लविंग होगा। इलेक्ट्रॉन लविंग को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनस। एफिनस मींस लविंग, इसलिए एक वर्ड आया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये एक टेंडेंसी के अकॉर्डिंग नाम है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, जैसे जैसे नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की इंक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन को एफिनस मींस अट्रैक्ट करके एनायन बनाने की टेंडेंसी। ओके बेटा, तो ये चीज समझ में आ गई। और जितना ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू कम हो या हम ये कहें जितना ज्यादा पॉजिटिव ज्यादा हो मतलब उसका एनायन बनाना उतना ही मुश्किल है, उसको उतनी एनर्जी प्लस ज्यादा देनी पड़ेगी।
क्योंकि उनके बीच में रिपल्सन उतना ही ज्यादा है इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में, तो इससे क्लियर हो गया कि उतना ही उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होगी। इज दैट क्लियर बेटा? एज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। इज दैट क्लियर? ऐसे हम वर्ड यूज कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया बेटा? यस सर। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं वैल्यू के अकॉर्डिंग बात करूं तो नाम दूंगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और मैं इलेक्ट्रॉन लेने या न लेने की टेंडेंसी के अकॉर्डिंग बात करूं तो मैं नाम दूंगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अगर मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी एटम की ज्यादा है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो जल्दी से एन आयन बना देगा क्योंकि उसकी नेगेटिव वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी, उनमें अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच। इज दैट क्लियर? यस। वेरी गुड। अब आगे बढ़े बेटा। यस सर। वेरी गुड। तो यहां पर एक चीज क्लियर हो गई कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट इज जब न्यूट्रल एटम पहला इलेक्ट्रॉन लेता है तब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। ये नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, हो सकता है एनर्जी देनी पड़े, हो सकता है एनर्जी निकले, बट ये कंफर्म है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से हमारा मतलब है बेटा कि जब एक इलेक्ट्रॉन लिया जा चुका है, दैट इज एन आयन बन चुका है, नेगेटिव आयन बन चुका है, अब वो नेगेटिव आयन एक और इलेक्ट्रॉन ले, ठीक है ना, तो उस समय जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको बोलेंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे हमने आईपी में किया था, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए उसके बाद फिर हम उस कैटायन में से अगला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बोलेंगे सेकंड आईपी, फिर दो इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बोलेंगे थर्ड आईपी। सेम थिंग इज हियर। लेकिन जब सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बात करेंगे तो ये हमेशा इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। और वो क्यों होगी? क्योंकि आप समझदार हो, क्योंकि जो नेगेटिव आयन है वो ऑलवेज रिपेल इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को हमेशा रिपेल करेगा क्योंकि दोनों पे अब चार्ज सेम हो गया, नेगेटिव आयन पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज। आई बात समझ बेटा? Yes, और आप लोग जानते हो कि नेगेटिव आयन जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इनके बीच में हमेशा रिपल्सन होगा। एनी प्रॉब्लम? तो आपको हमेशा एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, दैट इज ये प्रोसेस जो होगी वो हमेशा एंडोथर्मिक होगी। क्या होगी ये प्रोसेस? That is electron gain enthalpy 2. आप EG 2 कह सकते हो इसको। ये हमेशा क्या होगी बेटा? Positive. Is that clear? बोलो बेटा, कितनी पिक्चर क्लियर हो गई? Yes, sir. अब हम ये बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी। एफिनिटी ज्यादा का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, है ना। तो मैं यहाँ पर अब यही बातें लिखने जा रहा हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब मैं एफिनिटी मतलब नेचर के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, जब एनर्जी की वैल्यू के अकॉर्डिंग बोलते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और केवल इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी की बात करें हम
तो उसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव है, ये आप मैंने मेंशन कर दिया, आप समझ जाना आपने। तो इन फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर है वो है एटॉमिक रेडियस। वो आप लोग बेटा वो जानते हो कि जितना एटम छोटा होगा उसका न्यूक्लियस जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के उतने ही पास होगा, उसको जल्दी से अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा, जल्दी एनायन बनाएगा, एफिनिटी ज्यादा होगी, या ये कह दो कि इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी। तो इससे क्लियर हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है मतलब टेंडेंसी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ एटम। अगर मैं दूसरे फैक्टर की बात करूं तो दूसरा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये भी क्लियर है इस न्यूक्लियस पे चार्ज इफेक्टिव जितना ज्यादा बढ़ेगा उस फ्री इलेक्ट्रॉन को जो एटम के जस्ट बाहर है उसको तुरंत अपने अंदर खींच लेगा और उस समय उसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, दैट इज इट इज प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड फैक्टर सिग्मा को हम यूज तो नहीं करते कंपेरिजन में, पर ये इफेक्ट जरूर डालता है। तो क्या इफेक्ट डालता है, ये रिपेल करने की पावर है इलेक्ट्रॉन्स की, अगर ये रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं यहाँ पे फोर्थ फैक्टर की बात करता हूँ तो वो है बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का हमारा मतलब है कुल मिलाकर के कि उस पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और उसमें उसका वॉल्यूम कितना है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो मेरे बेटाओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इनवर्सली होगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है एटम पर, पहले से इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है पर वॉल्यूम, तो वो आने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा भरे हुए हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसको रिपेल, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैटर करती है। ओके बेटाओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मेन मतलब है कि हम यहाँ पे ये कहें कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं डिवाइड बाय वॉल्यूम एटम का कितना है, कम वॉल्यूम में छोटे एटम में इलेक्ट्रॉन ज्यादा भरे हो तो वो इलेक्ट्रॉन उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जो अंदर आना चाह रहा है उसको रिपेल करेंगे, तो उस एटम की इलेक्ट्रॉन लेने की उसको लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। और इसके आगे लास्ट फैक्टर अगर हम स्टडी करें यहाँ पे जो वैल्यूएबल है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूगरेशन। मेरे बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूगरेशन होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो उसका आईपी बढ़ जाता है। यहाँ पर अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूगरेशन हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, अनस्टेबल होना नहीं चाहेगा, है ना बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है वो जीरो होगी, वो लेना नहीं चाहेगा, और फिर भी अगर आप दोगे तो एनर्जी की वैल्यू डेट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव आएगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में अगर मैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बात करूं एफिनिटी के अकॉर्डिंग, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलमोस्ट जीरो। यहाँ पे नेचर की बात हो रही है हमारी, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी जीरो होगी, आप जबरदस्ती उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भेजोगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके बेटा, तो इज ऑलमोस्ट जीरो, दैट इज, या अभी आप इसमें पूरा लिख दो, फॉर एटम्स हैविंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड सबसेल, याद आ रहा है बेटा। बेटा वो समझ में आ रही बात, yes, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, समझ में आ गए सब कैसे करते हैं, क्लियर हो गया। बोलो बेटा वो, यस सर, वेरी गुड, यस सर।
वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं इसके आगे बात करता हूँ अब कि इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये जब मुझे पता लग गया कि किन किन चीजों से ये कम ज्यादा होता है, अफेक्ट होता है, तो मैं इसकी पीरियोडिसिटी चेक कर सकता हूँ कि ये लेफ्ट टू राइट जाने पर किस तरह चेंज होगी, या किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर किस तरह चेंज होगी। तो इसके आगे नेक्स्ट पार्ट हम इसका लिख रहे हैं, आप एडिंग लिखते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी वर्ड यूज क्यों कर रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि अब मैं नेचर देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी देख रहे हैं, लेगा या नहीं लेगा या ज्यादा लेगा, अपने आप लेगा या नहीं इसकी बात हो रही है। अब हम जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं जबरदस्ती रिपल्सन होने के बाद भी, दैट इज जब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव हो, तब की बात नहीं कर रहे। तो अगर हम अपने आप इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी को ऑब्जर्व करें बेटा, तो मैं पहले पीरियोडिसिटी यहां पर बताता हूं आपको। इन अ पीरियड, एक किसी पीरियड में अगर आप देखें तो क्या होगा, तो आपको पता है कि किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस भी कम होती है, दैट इज उसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है उसकी वजह से भी एफिनिटी बढ़ेगी, है ना बेटा। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पर हर बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चेंज होता है, बीच में हाफ फिल्ड फुल फिल्ड सबसेल्स भी आते हैं, ये आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आईपी में। तो उसकी वजह से जहां भी स्टेबल आएगा वहां पर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी एकदम से जीरो हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। ओके बेटा, हो तो हम क्या कह सकते हैं कि जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट in a period due to decrease in atomic radius and increase in effective nuclear charge, but at few places, जैसे वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल आने की वजह से एकदम से अचानक से आईपी बढ़ गया था, यहाँ पर उल्टा होगा, इलेक्ट्रॉनिक टेंडेंसी एकदम से स्टेबल की वजह से क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके बेटा, हो तो एट फ्यू प्लेसेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सडनली बिकम्स लो ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल वही पहला केस में लेके चल रहा हूं, यहाँ पर आप समझ जाओगे। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अगर बेटा हम यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की, तो इसमें आउटर मोस्ट का आप लिख के चलो केवल 2s2, इसका 2s1 2s2, इसका 2s2 2p1। मैं पहले वाले ऑर्बिट का नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ही आएगा, तो बाहर का ही चेक कर लो आप। यहाँ 2s2 2p2, यहाँ 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5 एंड 2s2 2p6। अगर हम नॉर्मल ट्रेंड की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेडियस डिक्रीज हो रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो लिथियम से ज्यादा बेरिलियम की होगी, नो प्रॉब्लम, इससे ज्यादा बोरॉन की, है ना। लेकिन अगर आप लिथियम से बेरिलियम पे देखो तो यहाँ पर इस एस में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक आ सकता है, बट यहाँ पर एस फुल आपका फील्ड है और ये फुल फील्ड है, तो बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन पर आगे पी में आना पड़ेगा, उसे मतलब सबसेल चेंज करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी वाले में आना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा होगा, तो अचानक से यहाँ पे क्या होगा, इसका बेरिलियम की एफिनिटी ड्रॉप हो जाएगी, कम हो जाएगी सडनली।
फिर बोरोन की ज्यादा होगी, बोरोन से कार्बन ज्यादा होगा, लेकिन कार्बन से जैसे हम नाइट्रोजन पे आएंगे तो यहाँ हाफ फिल्ड हो गया, पी आधा भरा हुआ है, स्टेबल कॉन्फिगरेशन है। अचानक से क्या होगी बेटा, एफिनिटी ड्रॉप हो जाएगी। ओके यस वेरी गुड। और अगर हम बात करते हैं इसके आगे नियोन की, तो ये फुली फिल्ड है, हाईली स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, इसकी सबसे कम हो जाएगी, पूरी तरह हम इसको जीरो मान सकते हैं एफिनिटी को। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो वैल्यू होती है एनर्जी की, इसलिए वहां तो एनर्जी देने पर प्लस में ले ली जाएगी, एनर्जी रिलीज हो रही है तो माइनस में ले ली जाएगी, लेकिन एफिनिटी नेचर को शो करती है, तो नेचर के अकॉर्डिंग नियॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, स्टेबल है, दैट इज एफिनिटी जीरो है। इस तरह से हम यूज करते हैं आपका वैल्यू बेस्ड जो नेम है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, और नेचर बेस्ड जो नेम है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, जब अचानक से लो हुई है तो ये क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। तो यहाँ पर हम इस ऑर्डर को लिख सकते हैं कि लिथियम, इससे ज्यादा होगी बोरोन, बोरोन से अधिक कार्बन, कार्बन से अधिक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से अधिक क्लोरीन। लेकिन अब ये तीन कम हो गए, ऑलमोस्ट जीरो हो गए, तो जब कम हो गए हैं तो अब इसमें हम आपका दिमाग लगाएंगे, तो वो क्या है बेटा, इन तीनों में सबसे अधिक अब होगी नाइट्रोजन की, पर और से कम होगी। ओके बेटा, क्योंकि हाफ फील्ड भले ही है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसका रेडियस यहां तक आते आते बहुत कम हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत बढ़ गया, इससे भी कम होगी किसकी, बेरिलियम की, क्योंकि तब भी इसमें जगह है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, पी में 2p खाली पड़ा हुआ है इसके आगे, और सबसे कम होगी नियोन की, इनर्ट गैस है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑक्टेट भी कंप्लीट है, ये किसी भी कीमत पे इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, इसकी ऑलमोस्ट जीरो। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। तो ऑर्डर समझ में आ गया? यस सर। इस तरह आप पता लगा सकते हो, किसी पीरियड में आप स्टेबल कॉन्फिगरेशन पे ध्यान दें, जो फुली फील्ड है उसका सबसे कम जीरो, हाफ फील्ड का ऑलमोस्ट जीरो, इससे ध्यान लगाओगे आप लोग। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं पीरियोडिसिटी की, किसी ग्रुप में वहां क्या होगा आप उसको देखो। अगर हम बात करते हैं नाउ पीरियोडिसिटी इन अ ग्रुप, तो किसी भी ग्रुप में जनरली क्या होना चाहिए, ये आप लोग जानते हो कि जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। क्यों? Due to increase in atomic radius. जितना एटम बड़ा होता जाएगा न्यूक्लियस से, वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो बाहर है एटम के उतना ही दूर होगा और न्यूक्लियस उसको उतना ही कम अट्रैक्ट कर पाएगा। टॉप टू एटम जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट सेम रहता है, कुछ एक दो केसेस को छोड़कर, है ना बेटा? तो जनरली क्या होना चाहिए, ये ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको स्पेशली याद रखनी है, मैंने आपको एक फैक्टर लिखवाया था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो मेरे बेटा हो सेकंड पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस क्या होती है बेटा, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है ना? यस सर। तो लास्ट में जब हम यहाँ पे आते हैं सेकेंड पीरियड में, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जो है सेकंड पीरियड के एलिमेंट, इनकी रेडियस यहाँ तक आते आते बहुत कम हो जाती है, और यहाँ तक आते आते इलेक्ट्रॉन भी इनमें बहुत भर चुके होते हैं, जैसे आउटर मोस्ट के 2s2 2p3 पांच इलेक्ट्रॉन भर गए, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर गए, इसमें आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। ओके बेटा, बात समझ में आ रही है ना? Yes. तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और साइज कम होने की वजह से वॉल्यूम कम हो जाएगा,
तो इसका मतलब क्या हुआ, इन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, क्या होगी इन पर, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर इन एटम पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इनके इलेक्ट्रॉन्स उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे ना। यस सर। तो इसीलिए इनकी जो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो कम हो जाती है। तो अगर मैं डाउन द ग्रुप आता हूँ और इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर थर्ड पीरियड में, किसमें आ रहा हूँ, थर्ड पीरियड में बेटा, तो थर्ड पीरियड में क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये मिलेंगे ना, जिनमें इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 3s में भरे जाएंगे। 3s का मतलब है कि साइज बड़ा हो गया, तीन ऑर्बिट हो गए, इलेक्ट्रॉन उतने ही है। देखो नाइट्रोन में 5, फॉस्फोरस में 5, सल्फर में कितने है, 6, ऑक्सीजन के बैलेंस में कितने है, 6, क्लोरीन में भी कितने है, 5 बैलेंस में, और क्लोरीन में भी 5 आपके हैं, 7 टोटल है ना बेटा। इलेक्ट्रॉन बराबर है लेकिन साइज बढ़ गया ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये इलेक्ट्रॉन को आने वाले को रिपेल नहीं करेंगे, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? तो आप इस चीज को इस तरह से याद रख सकते हो कि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो डाउन द ग्रुप जाने पर एटम का साइज बढ़ेगा तो रेडियस या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। लेकिन इन तीन एलिमेंट्स में, जब इन तीन एलिमेंट्स में आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से इनकी कम हो चुकी है, ठीक है ना। ओके बेटा, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन इज लेस देन फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन रेस्पेक्टिवली, बिकॉज इट इज ईजियर टू गेन इलेक्ट्रॉन इन 3p रेदर देन 2p सबसेल। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, यहाँ इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा 2p में, और यहाँ इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा 3p में। ओके बेटा, तो अब किसकी वजह से, ड्यू टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से रिपल्सन कम होगा और 3p में इलेक्ट्रॉन लेना 2p से ज्यादा आसान होगा। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। वेरी गुड। लेकिन जब आप थर्ड के आगे भी नीचे चलोगे तो अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला मैटर तो खत्म हो गया, आप तो सब में ही कम है, इसीलिए उसके और आगे जाने पर सिर्फ रेडियस वाला फैक्टर काम आएगा। अब रेडियस इसके आगे बढ़ेगी तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाएगी। तो अगर आप इन तीन एलिमेंट्स को छोड़ के आप किसी भी ग्रुप में बात करते हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर होगा वो आप वही लिख सकते हो जो आप लिखते हुए आ रहे हो। क्या बेटा? वो ऑर्डर होगा जैसे आपने लिया पहले ग्रुप में, तो हाइड्रोजन से कम होगी, लिथियम से कम होगी, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम, किसी भी ग्रुप में आप जाओ सब में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर यही होगा, डाउन द ग्रुप जाने पर कम होता है। यस, किसी भी ग्रुप में। ओके बेटा, हो जैसे हम कार्बन वाले ग्रुप की बात करें तो कार्बन से कम क्या होता है, सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन स्टेनस, देन लेड, ठीक है बेटा हो। लेकिन अगर आप इन किसी ग्रुप में चलते हो, इन तीन में, 15th में, 16th और 17th ग्रुप में, तो यहां पर आपका ऑर्डर होगा, नाइट्रोजन से ज्यादा होगी फॉस्फोरस की, बट उसके आगे फिर कम होना शुरू हो जाएगी, फॉस्फोरस से आगे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ओके बेटा हो,
तो इस ऑर्डर को आप कैसे लिखोगे? आप इसको आप लिख सकते हो कि फॉस्फोरस की ज्यादा है, नाइट्रोजन कम है, तो इसका मतलब अब आप लोग फॉस्फोरस को आगे लेके आ सकते हो। तो ये स्ट्रेस हो जाएगा फॉस्फोरस की मैक्सिमम, फिर नाइट्रोजन एंड देन आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ये ऑर्डर हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इज दैट क्लियर? यस यस सर। ओके बेटा, इस वीडियो के बाद में नेक्स्ट लिंक पे वापस आ जाएं। एसीएम ऑक्सीजन वाला लिख लेते हैं, सल्फर उससे कम ऑक्सीजन एंड देन सेलेनियम, टेल्यूरियम, क्लोरीन से कम फ्लोरीन एंड देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ये सब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर है। पीरियोडिसिटी खत्म। सेम लिंक पे वापस आ जाना, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे और प्रॉपर्टीज और एफिनिटी से रिलेटेड कुछ और बातें करते हैं।